अल्लाह की खातिर किए जाने वाले काम चाहे वक्ती मुश्किल क्यों ना हो, मगर उनका अजर हमेशा रहने वाला और उसकी बरकत देर पा होती है। आए अल्लाह, हमें हमेशा तेरी खुशनूदी और रजा के कामों में मसरूफ रखना और ऐसे अमाल से हमें बचाना जो हमारे लिए बाईस से गुनाह और तबाही हो। अल्लाह तो सुनता है हर उस दिल की जो उससे रजू करता है, बुझे दिलों को वो अपने करम से जगाता है, जो छोड़ चुके सब आस अपनी नई उम्मीदें उन्हें अपने जिक्र से दिलाता है। बदलती हैं तकदीरें उसके एक कुन से, होती है महज तवक्कुल की ये बात सारी। अब जोड़ ली हैं तुमने ये राहें उस रब से, अगर चाहे जो हो जाए भेजेगा नहीं वो झोली ये तुम्हारी खाली। देता है हर एक को भरकर ख्वाहिश से, यही तो सिफत है उस ज़ात रहमान की। और आए जब लम्हे कठिन मुश्किलों के, आए अल्लाह मैं राजी गर तू राजी कहकर इनको आसान बना लो। होता नहीं हमेशा जैसा तुम्हारी चाहत हो, इस ना होने में भी तुम उस रब की मसलियतें पहचानो। तवक्कुल अपना ऐसा बनाओ कि कुछ खो के भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीरने वाली आजमाइशों में भी मुस्कुराओ। रब की मार्फत को पा जाना आसान कहाँ होता है, ये खेल है अनगिनत कुर्बानियों का, हर कोई कहाँ देता है। कोशिश करो अल्लाह को अपने हर काम पर तरजीह देना सीखो, क्योंकि जब हम अल्लाह को अपनी पहली तरजीह और तवज्जो का मरकज़ बनाते हैं तो फिर वो हमारे सारे कामों को हमारे वास्ते समेट लेता है। लेकिन जब हम उसकी तरफ मुतय्यन हमारे फ़राइज़ को पसे पुश्त डाल देते हैं तब वो हमारे वक्त से बरकत उठा लेता है और हमारे घड़ियों के काम मिनटों, मिनटों के काम दिनों और दिनों के काम सालों के हो जाते हैं। और कुछ चीज़ों पर सब्र करना फ़र्ज हो जाता है जब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, जब हर कोशिश नाकाम होती दिखाई देती है। मगर इस सब्र में जब रब की मदद शामिल हाल हो जाती है तो उसके फैसले भी आसमानी और अटल हो जाते हैं। वही हमारी जबान और हमारी आंखें बन जाता है, वही हमारा दिल और वही हमारा दिमाग बन जाता है। और फिर वो इंसान रब की मर्जी से हटके कुछ नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जिस हकीकी फलाह की तलाश में वो सरगर्दां है वो फ़कत उस रब की पैरवी और सिर्फ उसी की राहों पे चल के हासिल होगी। और अगर तुम समझ जाओ हिकमत आसमानी फैसलों की तो दिल तुम्हारा कभी शिकवा ना करे इन ज़मीनी आजमाइशों पर। अल्लाह की मोहब्बत तो एक नूर है जिसकी वसत ना तो नापी जा सकती है ना ही उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब ही तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मवाजना एक माँ की मोहब्बत से किया। जिस तरह एक माँ की ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो उसकी औलाद की फलाह और उसके लिए आरामदेह हालात बनाने में गुजर जाता है, उसके कोई मोल नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह बल्कि इससे भी 70 गुना बढ़कर उस रब की मोहब्बत होती है, लाजवाल और दुनियावी तराजू में ना नापी जाने वाली। और सोचो कि जिस माँ की मोहब्बत का कर्ज हम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते तो उस रब का क्यों कर उतारा जा सकता है, क्योंकि वही तो है लाजवाल मोहब्बत, वही तो है उस रब की मोहब्बत। जब हम अपने रास्ते सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तिस कर लेते हैं ना तो फिर वो उसकी रज़ा की ख्वाहिश खुद हमारा हौसला बनती है, वही हमारी आँखें वही हमारा दिल बन जाता है, वही हमारी बातें और वही हमारा अमल बन जाता है।
और उसकी रजा से हटकर चलने की सोच ही सुहाने रूह बन जाती है। ये भी उसके हुब की ही एक अलामत है कि इंसान फिर अपने रब की चाह से हट के कभी कुछ नहीं करना चाहता। और कितना खूबसूरत है ये हुब कि जिसमें अपने रब के दीदार की चाह थी एक बंदे की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाए। आए रब हमें अपने उन नेक बंदों में से कर दे कि जिनके हौसले तू बढ़ाता है और राहों पर लगाते के जो तूने अपने प्यारे बंदों के लिए बनाई हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। इन मट्टी के इंसानों से उम्मीद लगाने की बजाय अल्लाह से उम्मीद लगाओ, उसी को अपना वाहिद सहारा बनाओ। कोई तुम्हें वैसे नहीं समझेगा जैसे वो रब समझता है, कोई तुम्हें वैसे नहीं सुनेगा जैसे वो रब सुनता है। उसी को अपनी जात का मरकज बनाओ और तुम देखोगे कि वो एक एक करके हर चीज तुम्हारे वास्ते संवार देगा और तुम्हारा अल्लाह की जानिब लौटना लाजिम और मलजूम है, चाहे तुम्हारी ये चाहत हो या ना हो। मगर हकीकत यही है कि जल्द या बदेर सबको उसी की तरफ लौटना है, अपनी मर्जी से या फिर बेबसी में खुद लौट आओ कि उससे पहले लौटाए जाओ, खुद कदम बढ़ाओ कि उससे पहले तुम्हारी तुर्बत की तरफ कदम बढ़ाए जाएं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी कि अगली सांस तक की खबर नहीं। अपने रब को पहचान लो कि इससे पहले पहचान करवाई जाए, अपने रब को पहचान लो कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। जब मन्नतें खालिस हों मंजिल आसान हो जाती है, कोई साथ हो ना हो रब की मदद शामिल हाल हो जाती है। राहें बनती चली जाती हैं उसके हुक्म से, कतार दर कतार हर चीज़ एक निज़ाम में आ जाती है। समझ नहीं आते उलझी तकदीर के जो अधूरे सफ़ात, उन पर भी उस रब के नूर की मुहर छप जाती है। याद रखो, आज अगर अल्लाह ने तुम पर यह आजमाइश लाई है तो वो जानता है कि तुम इससे लड़ने की हिम्मत भी रखते हो। वो कभी तुम्हें तुम्हारी हिम्मत से भरकर नहीं आजमाएगा। तुम भी उस रब पर पूरे तवक्कुल और अपनी हिम्मत से जहाँ तक हो सके कोशिश करते रहो। वो रब तुम्हारी कोशिशों से नावाकिफ नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन सब उसकी निगाहों में है। बस तुम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना, अजर देने वाली जात अल्लाह की है। और सब्र करना कितना ही चाहे मुश्किल क्यों ना हो, मगर उसका अजर हमेशा देर पा और ज्यादा होता है। और आजमाइशें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, महज वक्ती और आर्जी ही होती हैं।